वेलकम प्यारे विद्यार्थियों, स्मा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम तृतीय योगात्मक आंकलन का हल जानेंगे, यानी हल क्या होगा इसका, यानी आंसर्स सही कौन से हैं, कक्षा 7 विषय गणित के बारे में। सबसे पहले आपको यानी इसमें हल करके आपको OCR जो आपके पास एक सीट आई थी उसमें आपको राइट के टिक लगाने थे, यानी जो राइट है उस पर टिक का निशान लगाना था। अगर आप अभी तक चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। पहला प्रश्न है, संख्या 9878 में सैकड़ा को दहाई से व हज़ार को इकाई से परस्पर बदलने पर नई संख्या कौन सी बनेगी। यानी अपने पास संख्या है 9878 है, यहाँ पर अपने को क्या करना है, यानी सैकड़ा को क्या किससे बदलना है, दहाई से बदलना है। तो सैकड़ा कौन सा है, यानी ये है और ये दहाई है, इसको इससे बदलना है और इकाई को हज़ार से बदलना है। तो अपनी संख्या कौन सी हो जाएगी, 8789। तो द इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, मैं 2, 3, 5, 6 व 8 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हूँ, संख्या से 57 कम हूँ, बताओ मैं कौन सी संख्या हूँ। तो यानी इस अंकों की कौन सी संख्या बनेगी, यानी सबसे पहले 8, 6, 5, 3, 2 पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी 86532। और वो कह रहा है कि मैं इसमें से कितने कम हूँ, यानी 57, कितने कम है, 57 कम है। तो 57 कम है तो अपने पास संख्या कौन सी बच जाएगी, 86475। तो यानी द उत्तर अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी द अपना सही आंसर है। फिर है प्रश्न संख्या 3, 24/5 अनुचित भिन्न का मिश्रित भिन्न में परिवर्तन होगा। 24/5 का यानी अनुचित भिन्न दे रखी है, इसको मिश्रित भिन्न में परिवर्तन करेंगे तो 24 में क्या करते हैं, 5 का जब भाग देते हैं तो 5 चौके कितने हो जाते हैं, 20, तो क्या जाएगा, 4, ऊपर से कितने बच गए, 4/5, 4/5, यानी वह अपना आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, वह क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से विकल्पों का मान 497 से अधिक है और 557 से कम है। जब यानी अपन पहले ऑप्शन को जब चेक करेंगे 687 में से 168 जब घटाएंगे तो ये मान है इसका सही नहीं आता है, इसका मतलब ये आंसर अपना गलत हो जाएगा। उसके बाद में 897 से यानी 366 घटाते हैं तो इसका मान आता है 531, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब अपने पास दो ऑप्शन बचते हैं, यानी इसका जब जोड़ करते हैं तो इसका आता है 499 और इनका जब घटाते हैं तो इनमें आता है 524। तो अब ये देखें कि इनमें दोनों ऑप्शन राइट हो रहे हैं आपके, यानी ये भी यानी 497 से अधिक है और 527 से कम है, और ये भी 497 से अधिक है और 527 से कम है, यानी ये भी आंसर सही हो रहा है और ये भी सही हो रहा है, यानी ब और द दोनों ऑप्शन इसमें राइट हो रहे हैं। कौन सा, एक तो ब ऑप्शन राइट हो रहा है और एक द ऑप्शन राइट हो रहा है, यानी दोनों क्वेश्चन सही है। फिर है प्रश्न संख्या 5, हल कीजिए 4/8 भाग ब्रैकेट -2/8। अब इसका हल कैसे करेंगे, यानी 4/8 है भाग में तो इसको गुणा में ले जाएंगे तो गुणा में क्या हो जाएगी, -2, 8 से 8 कट जाएगा, -2 से जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, तो यानी -2 अपना क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। फिर है प्रश्न संख्या 6, यदि एक दर्जन आमों का मूल्य 47 रुपये है, यानी कितने, एक दर्जन आम का मूल्य यानी 12 आम का मूल्य कितने रुपये है, 47 रुपये है, तो 329, एक मिनट आपको सही करके बता देता हूँ, अपने पास है 329 रुपये। अब इसमें अपन क्या करेंगे, 12 से इसको जब डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 7, यानी 7 दर्जन केले अपन क्या कर सकते हैं, यानी आम खरीद सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा है। फिर है प्रश्न संख्या 12, 12, 24 व 30 लघुत्तम समापवर्तक होगा, तो लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, आपको अभी लघुत्तम समापवर्तक निकाल के दिखाते हैं, यानी जैसे 12, 24 और 30 है तो इसका लघुत्तम समापवर्तक इस तरीके से निकालना है। जब इस तरीके से निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6, 12, 15, फिर 2 से निकालेंगे 3, 6, 15, फिर 2 से निकालेंगे 3, 3,
15, फिर 3 से निकालेंगे 1, 1, 5, 5, तो 5 3 15, 15 2 30, 30 2 60, 60 2 120, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब ब एकदम अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपने भी क्या किया होगा, यानी ब ऑप्शन किया होगा, तो ब अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संख्या 6 9 3 0 में रिक्त स्थान में ऐसा कौन सा अंक आएगा अगर 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी 6 से पूर्ण पूरी पूरी विभाजित हो जाए, तो इसके अंदर आ जाएगा 6। जब 6 से इसको पूरा पूरा विभाजित करेंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा 6। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से विकल्प में दशमलव बिंदु को बढ़ते क्रम में दर्शाया गया है, यानी क्रम क्या है, बढ़ रहा हो, ऐसा कौन सी संख्या होगी जिसमें क्रम बढ़ रहा है। तो देखो इसका देखते हैं, तो इसमें तो क्या है, संख्या घट रही है, यानी पहले पॉइंट एक है, फिर पॉइंट एक एक है, यानी घट रही है, इसका मतलब ये नहीं होगा। इसका देखते हैं, इसमें भी क्या हो रहा है, घट रहा है। देखो बे ऑप्शन देखो इसका, यानी 101 11, फिर पॉइंट दो, यानी ये ऑप्शन बढ़ रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ब। फिर है प्रश्न संख्या 10, बिंदु रेखा पर बिंदु P व Q का मान बताना है, एक तो P का मान बताना है और एक Q का मान बताना है। देखो यहाँ पे गिनो, 1 2 3 4, टोटल 5 है, तो 5 है तो यानी 2/5 क्या आ जाएगा, 2/5, पहला तो आ जाएगा 2/5, दूसरा एक यानी 1 2 दे रखा है और इसका आगे यानी दे नहीं रखा, इधर 5 है तो इसका मतलब इधर भी कितने होंगे, यानी 5 होंगे, तो एक पे दे रखा है तो एक से ही 1/5, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा सही, उत्तर क्या हो जाएगा सही, यानी इसका हो जाएगा एक सही 1/5, तो एक हो जाएगा 2/5 और एक हो जाएगा एक सही 1/5। अगला प्रश्न है, 9 सही 1/2 का दशमलव रूप लिखिए, तो 9 को पहले 2 से गुणा करते हैं, 18 में 1 जोड़ा 9, 19 बटे 2, जब 19/2 यानी 19 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 9.50, तो ऑप्शन हो जाएगा अपना बी, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में पी क्यू व आर के मान क्रम से बताइए, यानी पी क्यू आर के मान बताना है, यानी यहाँ पे आपने को दो कोण दे रखे हैं, एक तो ये 55 का दे रखा है और एक ये 97 का दे रखा है, तो अब यहाँ पे अपन जब देखते हैं यानी पी क्यू और क्यू आर का मान बताना है, तो ये देखो अगर ये कितना है 55 है तो ये भी कितना होगा, 55 होगा, यानी आमने सामने के कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, ये 55 है तो ये भी 55 होगा, यानी Q का मान जो बीच वाला कोण है उसका मान कितना आएगा, 55 आएगा, तो देखो 55 एक तो इसमें आ रहा है एक इसमें आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन खारिज हो गए। अब देखो इसका मान 97 है, अब देखो इसका मान 95 है, तो अब सॉरी 55 है, तो 180 में से आप क्या करो 55 घटाओ और इधर अपने को मान कितना दे रखा है 97, ये 97 भी घटाओ तो अपना मान आ जाएगा 28, तो पी का मान कितना आ गया 28, तो 28 दोनों में दे रखा है। अब देखते हैं इधर, अब ये 97 और 28 को जब जोड़ करेंगे तो ये सामने वाला कौन आ जाएगा, जब इसका जब जोड़ करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 125, यानी 28 और 97 को जोड़ना है तो 125 आ जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन अपना क्या हो गया, स अपना सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, यानी दो अपने पास समांतर रेखाएं दे रखी है ए बी और सी डी, यानी एक तो क्या है ए बी दे रखी है, ए बी और एक दे रखी है सी और डी, इनमें अपने को क्या करना है, इसका मान बताना है, यानी इसका मान अपने को 47 दे रखा है, इसका मान 47 है, इसका मतलब इस कोण का मान भी कितना होगा, 47 होगा, अगर ये 47 है तो ये 180 में से क्या हो जाएगा, यानी घटा देंगे, जब 180 में से कितने को घटाना है, 47 घटाएंगे, 180 में 47 घटाएंगे तो अपने पास कितना बच जाएगा मान, 133, यानी x का मान कितना आ जाएगा 133, y का मान 47 और z, जब ये 133 आ गया तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, यानी ये 47 है तो इसका मान कितना हो जाएगा 133, तो 133 47 133, यानी अपना ऑप्शन स क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राधा 1:15 PM पर स्टेशन पहुंची, तभी घोषणा हुई कि ट्रेन 3:20 पर आएगी, बताइए राधा को ट्रेन के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा, यानी 1:20 पर पहुंची है और ट्रेन आएगी 3:20 पर और 1:15 भी वह पहुंच गई, अब इसमें से ये घटा दो 2.5, यानी 2:05 और वेट करना पड़ेगा, तो ऑप्शन क्या है, द अपना सही हो जाएगा, द क्या है, राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, शुभम ने अपने 148 में से 37.5
5-0 की पुस्तक खरीदी और 16.75 का रजिस्टर खरीदा, अब शुभम के पास कितने रुपए बचे? तो ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, यानी घटाना है। कैसे घटाना है? आपके पास 148 रुपए है, उसमें से पहले आपको 37.50 और 16.75 ये रुपए जब घटाएंगे आप, तो आपके पास उत्तर बचेगा 93.75। तो इसका कौन सा ऑप्शन है, यानी द। तो द अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपके भी ये क्वेश्चन सही होंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।